सद्दाम हुसैन उठा, हमला कर दिया किस पर? कुवैत। 2 दिन पर पूरा कुवैत कब्जा। 34 देश मिलकर इराक पर हमला कर बिना रुके दिन रात बम्बार्डमेंट की। 50 दिन तक तेल का कुआं जलते रह गया। दुनिया का कोई आतंकवादी जन्म लिया है तो इन्हीं 2 बड़े देशों की वजह से। इसीलिए जयशंकर साहब ने कहा था, यहाँ पे हो गया ईरान सिया देश। ईरान क्या हो गया? सिया। और बाकी के क्या हो गए? सुन्नी देश। अब इनको लड़ाने के लिए क्या हुआ? ये देश है इराक। अब ध्यान से देखिए, इराक, इराक के और ईरान के बीच में एक तेल क्षेत्र था। यहाँ पे क्या है? तेल क्षेत्र। ये दोनों के बीच में कॉमन है और अमेरिका ने घोषणा कर दिया कि यह बहुत बड़ा तेल क्षेत्र है। अमेरिका आग लगाने में आगे। अब क्या हुआ? यहाँ पे थे खोमैनी, इराक का सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन। तो इधर में सद्दाम हुसैन, इधर में खोमैनी। दोनों अपने समय के सबसे धाकड़ नेता थे। सब दोनों के पास बहुत बड़ा मास लीडर की क्षमता थी। अमेरिका खोमैनी को देखना नहीं चाहता। सद्दाम हुसैन काट मिल गया किसका? खोमैनी का। खोमैनी थे सिया, ई थे सुन्नी। ईरान था सिया देश और उसका नेता खोमैनी भी था। इराक में एक बहुत बड़ी आबादी सिया थी लेकिन उसका लीडर कौन था? सुन्नी। तो खोमैनी चाहते थे कि कैसे भी सद्दाम हुसैन को हटा के इराक में एक सिया प्रधानमंत्री बन जाए। अब इसका डर था किसको? सद्दाम हुसैन को। खोमैनी चाहते थे कि यहाँ के लोगों को भड़का के सद्दाम हुसैन के खिलाफ किया जा सके। तब तक इन दोनों के बीच में एक नए तेल क्षेत्र की खोज हो जाती है। इस नए तेल क्षेत्र के खोज के बाद दोनों देश एक दूसरे पे कहते हैं कि ये मेरा है, वो कहता है ये वाला तेल क्षेत्र मेरा है। दोनों के बीच में तेल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए क्या हो जाता है? युद्ध। क्या हो जाता है? युद्ध। और यह युद्ध रूप लेता है इराक ईरान वार। किसका रूप लेता है? इराक ईरान वार 1980। इस युद्ध में इराक वायुसेना से ईरान को कचल देता है और ईरान हार जाता है। इस युद्ध में ईरान हारने लगता है और जब ये ईरान हारने लगता है तो खोमैनी कहता है कि अगर तुम युद्ध हारे तो पूरी दुनिया में एक ही सिया देश है, फिर कोई नहीं बचेगा यहाँ। इसलिए तुम्हें युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ना है, तुम्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना है। इसलिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा युद्ध में। और उसके बाद हुआ कि 15 साल 16 साल 18 साल का लड़का ईरान के युद्ध में क्या बन गया? सेना बन गया, सेना। और ईरान के सैनिक लाइन लगा के लड़ते थे। उन्हें पता था कि अगला सिपाही अगर मरेगा तो पिछला कब्जा कर लेगा। 2 साल तक युद्ध चला। इस युद्ध में अमेरिका ने किसका साथ दिया? इराक का। ब्रिटेन, अमेरिका ने किसका साथ दिया? इराक का। सऊदी अरब ने किसका साथ दिया? इराक। चूंकि सऊदी अरब सुन्नी था, ज्यादा था सिया मरा जाए यहाँ पे। ब्रिटेन ने किसका साथ दिया? इराक का। सब ने किसका साथ दिया? रूस परेशान हो गया क्योंकि रूस का इराक से भी दोस्ती, ईरान से भी दोस्ती। अब रूस चुपचाप समझाने में लग गया, अरे मार काट मत कर, मार काट मत कर। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या हुआ? सद्दाम हुसैन जब देखे कि भैया अब तो गड़बड़ होने लगा, पैसा वैसा खर्चा हो गया, तो सद्दाम हुसैन को पैसा किसने दिया? सऊदी अरब। और यहाँ एक छोटा देश है कुवैत, इसने भी पैसा दिया, कहा कि मारिए इसको। ई भी पैसा दिया, मारिए इसको। समझ में आ गया कि नहीं? और उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया तो 2 साल बाद सद्दाम हुसैन कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं, युद्ध से खून खराबा से कुछ नहीं होगा, हम ईरान के दिए गए क्षेत्र को वापस दे देते हैं। खोमैनी कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आ जाइए वापस दे दीजिए। तो वापस ले लिया खोमैनी। और खोमैनी मार दिया किसको? अल बसरा को। इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र अल बसरा। अब मार के तबाह कर दिया। कहा कि हम भी युद्ध विराम चाहते हैं लेकिन पहले बराबर चोट पहुंचाएंगे तब, फिर युद्ध पनप गया 5 साल और। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और यह युद्ध खींचते खींचते इतना लंबा चला गया, इतना लंबा चला गया कि ये इसके तेल क्षेत्र को मार रहा है, ये इसके तेल क्षेत्र को मार रहा है। दोनों धड़ाधड़ आपस में मार रहे हैं। इसके तेल क्षेत्र उड़ गया, एगो तेल क्षेत्र, ये इसका एगो तेल क्षेत्र, एगो तेल का कुआं उसका उड़ा दिया, एगो इसका उड़ा दिया, इसका उड़ाया उसका उड़ाया। पूरी दुनिया में तेल की खत्म किल्लत हो गई। अब पेट्रोलियम का प्राइस चला गया सातवां आसमान पे। पूरी दुनिया करी रे भाई मना एक नहीं गया। पूरा दुनिया पेट्रोल डीजल पे चल रही है। अब पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, बहुत सारा लुब्रिकेंट बनता है, वैसलीन। दुनिया भर का, पूरी दुनिया परेशान हो गई। अरे यार समझाओ इन सबको, एकनी के चक्कर में पूरी दुनिया चल जाएगी यहाँ पर। इसीलिए जयशंकर साहब ने कहा था, यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। अगर दुनिया को दिक्कत है तो यूरोप को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यूरोप को दिक्कत होता है ना तो उसको पूरी दुनिया को दिक्कत। जब तक ये देश आपस में लड़ रहे थे मजा ले रहा था, मारो मारो मारो। जब पेट्रोलियम सप्लाई बंद हो गया तो कहा रोको 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 रोको,
है, लड़ाई नहीं करना, रुक रुक समझौता करो समझौता करो। तो सद्दाम इन लोगों की लड़ाई खत्म हो गई। अब इसमें बेचारा सद्दाम हुसैन की हालत हो गई खराब, क्योंकि 14 बिलियन डॉलर दिया था कुवैत, किसको, इराक को, मारो इसको, और लगभग 30 बिलियन डॉलर सऊदी अरब दिया था इराक को, मारो इसको। युद्ध खत्म हो गया तो कह रहा है कि हमारा 14 बिलियन वापस करो। ये तो भयानक बवाल हो गया। हम वो कह रहा सऊदा मुझे ही कह रहा है हम पैसा ना दे दो। सऊदी अरब कह रहा है कि तुमको दिए थे ना, मारो इसको। कर ये कौन बात है तुमको, तुम पहले बोला रहता कि उधार दे रहे हैं, मारने के बाद लेगा। अब भड़क गया कौन, सद्दाम हुसैन, कहा कि सब गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर, अब बवाल हो गया यहाँ पर। इसके अलावे क्या हुआ समझिए, ये कुवैत जो देश है ना, कुवैत 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 का ज्योग्राफिकल डिजाइन जो है इराक से नीचे, हाइट में इराक क्या है ऊपर, और कुवैत कहाँ है, अगर बॉर्डर पे अगर तेल का कुआं ड्रिल करके निकाला जाए ना, तो इराक का भी तेलवा किधर चलाएगा, कुवैत, कहाँ चलाएगा, कुवैत पे। अब कुवैत लगा इराक का तेल चुराने, और बेचारा अब ये युद्ध से उठा ले 8 साल युद्ध के बाद, और उसका तेल चुराने लगा कौन, कुवैत, अमेरिका चढ़ा दिया, चुराना क्या दिक्कत है, आधा हमको दे देना, कोई एथिक्स उथिक्स नहीं होता इन लोग को, तेल चुरा के आधा किसको दे देना था। और कुवैत इतनी चुकी देश है चिनिया बादाम बराबर है, एकदम इतनी चुकी है, लड़ गया इराक से, कौन सी करेगा तुम यहाँ पे, अरे देख रहा अब ये मारा इराक को, नहीं समझ में आ रहा इनको। कुवैत एको तो तेल चोरी का आरोप लग गया, बाद में कुवैत ने कहा कि ठीक है हम पास वाले एरिया से तेल नहीं निकालेंगे। सद्दाम हुसैन ने यहां तक कहा कि तुमको जितना निकाल के बेचना है हमारे यहां से ले लो, क्योंकि तुम निकालेगा तो मेरा सब डगर जाएगा। अब उसके बाद ये तो मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन मैटर कहां फंस गया, कुवैत कहा कि ठीक है तुम हमको नहीं निकालने दोगे, अब बताते हैं तुमको नहीं निकालने देगा तो हमारा पैसा दो, 14 बिलियन दो, हमारा पैसा वापस करो। नहीं समझ में आ गया कि नहीं होता है कि नहीं होता ऐसा, हमारा पैसा दे वापस दे हमारा। अब बवाल हो गया यहाँ पे, कुवैत और इराक के बीच में क्या हो गया, बवाल हो गया, कहा हमारा पैसा दे। ईरान चढ़ा दिया किसको, कुवैत को, हाँ मांगो मांगो पैसा मांगो, तुमको बताओ तेल निकालने नहीं दे रहा है और न तो पैसों रखा है, मांगो। ये तो चाह रहा था कि लड़ जाए सभी दोनों, ऐसे सोचा सद्दाम हुसैन गलती कर दिए। इराक बर्बाद हुआ सद्दाम हुसैन के जीत की वजह से, दोनों देश के बीच समझौता हुआ। तो कुवैत कह रहा है कि ठीक है हम 14 बिलियन डॉलर नहीं लेंगे, हमको तुम 10 बिलियन डॉलर दे। तो इराक कह रहा है कि ना 10 बिलियन ना दे तो 9 बिलियन डॉलर देंगे। ससुरा केवल 1 बिलियन डॉलर की वजह से यह समझौता टूट गया। सद्दाम हुसैन उठा, हमला कर दिया किस पर, कुवैत, 2 दिन पर पूरा कुवैत कब्जा, 2 दिन में पूरा कुवैत कब्जा। कुवैत का राजा भाग गया सऊदी अरब, बचा लीजिए मारा है बहुत मार मारा है। सद्दाम हुसैन कब्जा कर लिया, अब पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया, कह रहे हैं कि मान जा जो तेरा पूरा देश ले लिया हम यहाँ। ये इराक के सद्दाम हुसैन ने गलती किया था, यूएनओ ने वार्निंग दिया था कि आप 2 महीने के अंदर अंदर कुवैत खाली कर दीजिए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो अमेरिका यूएनओ ने पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाया कि कोई इससे व्यापार ना करे, तो सद्दाम हुसैन तेलवा का रेट सस्ता कर दिया, कोई खरीदने लगा, पुतिन पे भी तो आर्थिक प्रतिबंध है, तेलवा में डिस्काउंट दे दिया, लोग बाहर में गया तोरा प्रतिबंध ले आ इधर तेल ले आ भाई नहाएंगे हम ओकरे से। बस माचिस ना मारे कोई। है ना, पहले माचिस मार दिया दिक्कत ना हो जाएगा। आगे बढ़े तो सद्दाम हुसैन तो निकाल लिया, लेकिन जब 2 महीने का टाइमिंग यूएनओ ने दिया था, यूएनओ ने जब 2 महीने का टाइमिंग देने के बाद जब क्रॉस हो गया, तो यूएनओ ने पास कर दिया कि इस पर हमला किया जाए, किस पर, इराक पर। 34 देश मिलकर इराक पर हमला कर, 34 देश मिलकर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, रेगिस्तान की आंधी, ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट। 34 देश मिलकर बिना रुके दिन रात बम्बार्डमेंट किए थे, तो किसके ऊपर, इराक के ऊपर। इराक तबाह हो गया, और कुवैत से जब इराक पीछे हट रहा था, कुवैत से क्या हो रहा था, पीछे हट रहा था, तो सद्दाम हुसैन ने कुवैत के जितने तेल के कुएं थे आग लगा दिया, और 50 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ, आग लगा दिया वहां। और आग लगाने से पहले उसके चारों ओर माइंस बिछा दिया, जो बुझाने गया उधी आ गया। माइंस लगा दिया, फायर ब्रिगेड वाला जा रहा था, उड़ गया, इसको क्या हो गया, अब डरे कोई जाइए नहीं रहा था वहां पे। 1.5 महीने तक आग लगा था, 1.5 महीने तक, 50 दिन तक, तो 1.5 महीना से ज्यादा ही हो गया, 50 दिन तक तेल का कुआं जलते रह गया है सद्दाम हुसैन ने। अब सद्दाम हुसैन यहाँ वापस आ गए अपने जगह पे। 1990 में यह खाड़ी युद्ध हुआ था, इसी समय भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, इराक पूरा देश से चौपट हो गया था, ईरान ताली बजा रहा था खोमैनी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अमेरिका जब यहाँ से गया, तो याद रखिएगा इनकी एक नीति होती है कि जिस देश से जाओ वहाँ आग लगा के जाओ,
तबाह करके। यहां पर कुर्द लोग, कुर्द जो थे ना, कुर्द एक जाति है इराक के अंदर, उसको हथियार दे दिया अमेरिका, पैसा दिया, कहा मारो सद्दाम हुसैन। कुर्दों ने एकता दिखाई और सिया से मिल गए। कुर्द और सिया मिल के 10 साल बाद 2003 में, 10-12 साल बाद 2003 में वापस इराक में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और उन कुर्दों ने पकड़ लिया किसको, सद्दाम, और उनकी मदद किसने कर दिया, अमेरिका। 12 साल बाद फिर आया, खुद लड़ने नहीं, कुर्द की मदद करने के लिए, हथियार दिया, मारो सद्दाम हुसैन को, बम दिया, मारो उसको। और उसके मारा सद्दाम हुसैन को, अर्थव्यवस्था तो पहले चौपट हो गई थी, सद्दाम हुसैन को सुरंग में छुपना पड़ा। पकड़ लिया कौन, अमेरिका, कहा अरे सद्दाम हुसैन है, कहा कि अगर हम इसको फांसी दे देंगे पूरा मुस्लिम मेरे खिलाफ हो जाएगा, मुसलमानों को कैसे समझाया जाए, कैसे बेवकूफ बनाए। कुर्द को कहा हे कुर्द फांसी दे दे इसको, लो किसको दे दिया, कुर्द जाति वालों को। अमेरिका निकल गया, फांसी कौन दे दिया, कुर्द, खत्म कहानी। गल्फ कंट्री को कहा कि देख रहे हैं सिया सुन्नी का लड़ाई कितना खराब है, मार दिया सब सद्दाम हुसैन, समझ में आ गया। अब इराक के अंदर आपसी लड़ाई हो गई अमेरिका के खिलाफ, तो पूरा लड़ने लगा यहाँ पे इराक, और उसमें बम्बार्डमेंट भयानक होने लगी, और वही असंतोष वहां गृह युद्ध का रूप ले लिया। लोगों ने कहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई देश आके मार रहा है, कुर्द मारने लगा सब सिया को, सिया सुन्नी को, सुन्नी कुर्द को, तीनों आपस में लड़ने लगा, जिसको जहां मन वहां हथियार। इराक देखा कि ससुरा तो नहीं, हमसे रूस ने हथियार पहुंचा दिया, कहां पर, इराक में। उधर से अमेरिका ने भी क्या कर दिया, पहुंचा दिया। और धीरे धीरे ये इतना गृह युद्ध खराब हो गया कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, सबसे खतरनाक आतंकवादी का जन्म हो गया इराक। दुनिया का कोई आतंकवादी जन्म लिया है तो इन्हीं दो बड़े देशों की वजह से।